आज हम एक पाकिस्तानी लड़की की व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाली। ये लड़की पाकिस्तान से बांग्लादेश गई हुई है और बांग्लादेश के अंदर ओल्ड ढाका की तरफ गई हुई है। ओल्ड ढाका के अंदर आपको पता है कि खाने बड़े जबरदस्त मिलते हैं, वहाँ की ओल्ड जगह बहुत ज्यादा मशहूर है। आज हम देखने वाले कि पाकिस्तानी लड़की किस तरीके से बांग्लादेश की ओल्ड ढाका सिटी में विजिट कर रही है, ओल्ड ढाका सिटी में वो क्या चीजें देख रही है। चलिए सबसे पहले इस व्लॉग को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ओल्ड ढाका सिटी। आज मैं आसान मंजिल आई थी घूमने, बहुत ही मजा किया, बहुत ही खूबसूरत ये मंजिल है। आप लोगों को पता होगा नवाबों के जमाने की मंजिल है। तो आज मैं जाऊंगी पुरान ढाका, सुना है पुरान ढाका यहाँ सामने ही है और पुरान ढाका के खाने आप लोगों को पता है बहुत मजे के होते हैं। तो आज मैं पुरान ढाका जाऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी और घूमूंगी। तो चले, और सामने मुझे ये घोड़ा गाड़ी नवाबों वाली गाड़ी भी मिल गई है। तो आज इस नवाबों की गाड़ी में मैं नवाब बन के जाऊंगी। तो इस नवाबों की गाड़ी में आज मैं नवाब बन के जाऊंगी, क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार ये घोड़ा गाड़ी में जाऊंगी। तो आज इसी में मैं पुराने ढाका जा रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। वाओ, नवाबों वाली गाड़ी यार, ये नवाबों वाली फीलिंग आ गई है मुझ में। सच में बहुत ही खूबसूरत ये लग रही है घोड़ा गाड़ी मुझे आज। तो आज इसी में मैं पुराने ढाका जाऊंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ चलो। पुराने ढाका जा रही हूँ, मुझे बहुत ही शौक था। हमेशा मैं ये घोड़ा गाड़ी देखती थी लेकिन कभी बैठी नहीं थी, कभी उठी नहीं थी। तो आज मैं उठी हूँ और बैठी हूँ। तो आज इस घोड़ा गाड़ी में मैं पुराने ढाका जा रही हूँ और पुराने ढाका जाऊंगी। और मैंने सुना है कि पुराने ढाका का खाने का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर जो पाकिस्तान के खाने के फ्लेवर की तरह आता है। तो आज मैं जाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि बहुत दिन से यार मैं पाकिस्तान के खाने भी मिस कर रही हूँ। इसलिए आज मैं पाकिस्तान के खानों का देखती हूँ फ्लेवर उनमें है या नहीं, और मैं बताऊंगी कौन सा खाना कैसा है, कितने मजे का है। ठीक है, तो चलती हूँ। फाइनली मैं पुरान ढाका आ चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे वैसे ही खानों की स्मेल आने लग गई है। सुना है यहाँ खानों का खजाना है, बहुत मजे मजे के खाने होते हैं। तो आज मैं क्या खाती हूँ, क्या पीऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ चलें। मैं किधर खड़ी हूँ, पुरान ढाका हाजी बिरयानी के सामने। बहुत ही मशहूर ये हाजी बिरयानी है, लगभग 80 साल पुरानी। तो बहुत दूर दूर से लोग ये हाजी बिरयानी खाने आते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सुना बहुत मजे की है। तो मैं भी काफी दिन से पाकिस्तान के खाने मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये मैं हाजी बिरयानी खाती हूँ। और सुना है कि पुराने ढाका में खानों में पाकिस्तानी फ्लेवर कुछ कुछ आता है। तो चले आज मैं खाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसकी सबसे मजे की बात कि ये टोकरी में देते, ये देखिए सूखे पत्तों की टोकरी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लगती है। जब इसमें ये खाना देंगे तो मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आज मैं लेती हूँ भाई, ये आप मुझे इस टोकरी में ये बिरयानी दे। ये देखिए इस टोकरी में बिरयानी देते हैं बहुत ही, और साथ लिब्बू देते हैं। मेरे ख्याल से लिब्बू जब इसमें निचोड़ के खाओगे तो और ज्यादा मजे की लगेगी। तो चले आज मैं खाती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये मैं लेके आ गई हूँ बिरयानी, अब मैं खाऊंगी, तो देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो ये लिब्बू है, लिब्बू के साथ बिरयानी पे निचोड़ के, और एक हरी मिर्च की बाइट, और ये बिरयानी। सच में बहुत ही मजे की, पाकिस्तान की बिरयानी की याद आ गई है मुझे, इतने मजे की है।
तो मैं खा रही हूँ, बहुत ही भूख भी लग रही है मुझे। तो ये बिरयानी खाने के बाद मैं कहीं और जाऊंगी, वहाँ पे क्या खाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी बिरयानी खा लूँ, वीडियो नहीं करूंगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाऊंगी पता नहीं कैसी लगूंगी, इसलिए मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। फिर कहीं और जाके कुछ और खाऊंगी, उसकी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक मेरे साथ रहें। ये गरम गरम बिरयानी बहुत ही मजे की थी यार, और ये गोश्त की बोटियाँ, इस पे वो चर्बी होती है और चर्बी का ऑयल इतने मजे का लगता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और एक बाइट हरी मिर्च की और एक नवाला बिरयानी का, यार वाह वाह वाह, मैं क्या बोलूं, इतने मजे का। और जब इसके ऊपर आप लोग नींबू निचोड़ के खाओगे तो मैं कहती हूँ कि खाते रह जाओगे और अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतने मजे की लगती है। मैं कहती हूँ जिसने अभी तक हाजी बिरयानी ट्राई नहीं की वो जरूर एक बार आके ट्राई करो, बहुत ही मजे की हाजी बिरयानी है। और यहाँ पे सूखे पत्तों की टोकरी है, पता नहीं दुनिया में इसमें खाना इस तरह देते हैं या नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे बहुत अच्छी है सूखे पत्तों की टोकरी लगी। और ये सेकंड बिरयानी की देग आ रही है, फर्स्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मैं कहती हूँ बिरयानी में बहुत से लोगों का इमोशन, यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 80 साल पुरानी है, हो सकता है आप लोगों के नाना दादा ने भी ये बिरयानी खाई हो। बिरयानी खा ली, बिरयानी बहुत ही मजे की लगी थी, अंदर बहुत रश थी। ये मामा है, इन्होंने बहुत अच्छी मुझे सर्विस दी, बहुत ही मजे की बिरयानी थी। तो ये देखिए ये बिरयानी की देखची, आप देखें इतनी बड़ी देखची है, और बिरयानी खत्म होने का दोबारा टाइम आ गया है, सेकंड बिरयानी की देखची है। तो आप लोग खुद सोचे कितने मजे की बिरयानी थी। तो ये वाकई हाजी बिरयानी बहुत ही मजे की थी, बेस्ट हाजी बिरयानी। तो आप लोग भी बोले बेस्ट। तो चले आप, तो मैंने सामने रास्ते में देखा एक बाबा पीठा बना रहे, मैंने बाबा से पीठे का नाम पूछा, बाबा ने बोला चितोई पीठा, भट्टे के साथ खाते हैं। तो मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे दें ये पीठा, तो मैंने पीठा लिया, पीठे के साथ मैंने भट्टे लिए, डिफरेंट डिफरेंट भट्टे होते हैं। तो ये मैंने पीठा खाया भट्टे के साथ, मुझे अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा। तो फिर यहाँ मैं सामने बिस्मिल्ला कबाब आई, बहुत ही फेमस ये बिस्मिल्ला कबाब है आप सबको पता है। तो यहाँ मैंने चिकन कबाब का ऑर्डर दिया, तो मैंने चिकन कबाब के साथ ये इमली की यहाँ पे चटनी थी, बहुत ही मज़े की थी। तो यहाँ पे ये पराठे थे, पराठे के साथ मैंने ये कबाब खाया, मुझे बहुत ही मज़े का लगा। पराठे तो हम लोगों के पाकिस्तानियों के फेवरेट होते हैं, तो ये मैंने पराठे लिए। और यहाँ पे एक लड़का गुर्दे बना रहा था, ये गुर्दे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया, देखें आप लोग भी कितने मज़े का लग रहा है ये गुर्दा। तो जब मैंने ये गुर्दे के साथ पराठों के साथ खाया मुझे बहुत ही मज़े के लगे। यहाँ गरम गरम पूड़ी बन रही थी, तो ये मैंने गरम गरम पूड़ी भी ट्राई की, मुझे बहुत ही मज़े की लगी। तो यहाँ पे जलेबी थी, तो जलेबी मैंने थोड़ी सी खाई, मेरे घर वाले जलेबी बहुत पसंद करते हैं तो मैं उन सब के लिए ले गई। तो यहाँ पे मुझे गोलगप्पे दिखे, गोलगप्पे देख के तो मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, क्योंकि हम बहनें सब मिलके गोलगप्पे खाते थे। यहाँ पे ये बंगला में सब नाम लिखे हुए थे, मुझे पढ़ने तो नहीं आते, तो मैंने इस लड़के से कहा मुझे गोलगप्पे की एक प्लेट दो, उसने मुझे गोलगप्पे दिए। तो मैंने उसको कहा भाई मिर्चें मत देना मुझे, क्योंकि मैं मिर्चें नहीं खाती ज़्यादा। तो मैंने फिर यहाँ पे देखी, तो यहाँ पे ये मुझे पिक्चर से पता चल गया ये इमली की चटनी है, इमली का पानी है, तो मैंने ये इमली का पानी लिया। ये गोलगप्पे देखें आप लोग कितने मज़े के, और इसमें जब मैंने इमली का पानी दिया तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगे। तो ये देखें ये चम्मच देखे तो मुझे बहुत ही डिफरेंट एक लगा चम्मच, देखें आप लोग भी देखें किस तरह ये डिफरेंट एक चम्मच है, यूनिक स्टाइल का चम्मच है। तो मैंने ये गोलगप्पे लिए, तो इसमें मैं इमली का पानी डाल रही हूँ, तो अब ये मैं खाऊंगी, देखूंगी कैसा टेस्ट है इनका। लेकिन मैं कहती हूँ पाकिस्तान के गोलगप्पों की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि बहुत ही मजे के होते हैं। तो ये मैंने एक गोलगप्पा एक लिया और मुंह में दिया, बहुत ही मजे का। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मैंने चाय ऑलरेडी अपने लिए खरीद ली थी, तो मैंने चाय ली। मैं कहती हूँ हम लोगों की पाकिस्तानियों की शाम जो चाय के बगैर नहीं है। शाम का टाइम हो गया तो मैंने ये चाय ली, अपने लिए चाय पीऊंगी, और साथ में मुझे बागर खानी नजर आ गई। तो मैंने सोचा यार चाय के साथ बागर खानी खाओ तो बहुत ही मजे की लगती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हम लोग शाम के टाइम चाय के साथ बागर खानी खाते थे। तो चाय पीऊंगी और साथ बागर खानी खाऊंगी। तो मामा ये बागर खानी कितने की है, दाम दाम जी जी। अच्छा मुझे आप एक पीस दे। तो ये मैंने बाकर खानी और ये चाय, वाह वाह बहुत मजे के। आप लोग भी कभी ये टेस्ट करके देखना, जिसने अभी तक नहीं खाई है इस तरह। सच में मजे की है, बहुत टेस्टी चाय। तो इसके बाद मैं ये खाती हूँ, इसके बाद मैं कहाँ जाती हूँ उसकी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, तब तक आप लोग मेरे साथ रहो। मेरी
आज मैं पुराने ढाका आई थी, पुराने ढाका में मैं बहुत कुछ खाया, बहुत ही मजे का लगा है। तो लास्ट में मैंने ये ब्यूटी लच्छी देखी है, क्योंकि मैंने बहुत से ब्लॉग में और बहुत सी वीडियो में ब्यूटी लच्छी के बारे में सुना था कि बहुत मजे की होती है। फाइनली आज मैं पुराने ढाका आई तो मैंने सोचा यार ब्यूटी लच्छी ना पी के जाऊँ तो हो नहीं सकता, इसलिए आज मैं ब्यूटी लच्छी पीऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी है, बहुत ही मजे की सुना है। तो देखते हैं, ये देखें ब्यूटी लच्छी। तो मामा एक ग्लास मुझे ब्यूटी लच्छी दे। ये देखें बनाने का सिस्टम, इसको शेक कैसे करते हैं, बहुत मजे से ग्लास के साथ ग्लास शेक कर रहे हैं। तो ये फाइनली मेरे हाथ में आज ब्यूटी लच्छी है, हमेशा वीडियो और ब्लॉग्स में मैंने देखी है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पी के दिखाती। सच में लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही मजे का टेस्ट है इसमें। और सब कुछ खाने के बाद लास्ट में ये ठंडा ग्लास एक लच्छी का ये पिया तो मैं कितनी बेस्ट हूँ। तो ये देखें ये इस तरह बना रहे, और ये देखें इसमें ये इस दही से बनाते हैं, ये मेरे मीठा दही है, और लास्ट में ये इस तरह रेडी होके हम लोगों के हाथ में आती है। तो बहुत ही मजे की है, ये मैं पी रही हूँ, पीने के बाद देखती हूँ कहाँ जाती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहे, अगर कुछ खाऊंगी तो वीडियो में दिखाऊंगी और नहीं खाऊंगी तो टाटा बाय बाय कर दूंगी आप लोगों को। तो ये मुझे लास्ट में पान की दुकान नजर आ गई, पान देख के बहुत ही मजे के लग रहे थे। मेरे ससुर, मेरी फैमिली और मैं बिल्कुल ही पान पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा यार आगुन पान इतना फेमस है तो आज ट्राई करके देखती हूँ। और घर जाने से पहले एक पानी की बोतल लूंगी, खुली करूंगी, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने पान खाया है, ना मजे की बात। इसलिए मैंने ये पान ट्राई किया क्योंकि बहुत फेमस है आगुन पान, आप लोगों को सबको पता है। तो पुराने ढाका और पान ना खाओ ये हो नहीं सकता, तो आज मैं यहाँ से पान खाऊंगी आगुन पान। आज मैंने पुराने ढाका में बहुत कुछ खाया, बहुत ही मजे का, बहुत गर्मी थी और बहुत रश थी, इसलिए मैं ठीक से वीडियो नहीं कर सकी। तो कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो सॉरी, दुआ में मुझे याद रखना। इंशाल्लाह फिर मैं कुछ न्यू ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, तब तक सब भालो था तो अल्लाह हाफिज। तो मैं आगुन पान खाती हूँ आज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये एक लड़की है जो कि ओल्ड ढाका सिटी की तरफ जा रही थी, और इसमें आप लोगों ने देखा कि घोड़ाघाटी और बाकी जगहों के, इसमें आप लोगों ने देखा कि घोड़ाघाटी के ऊपर बैठ के ये ओल्ड ढाका सिटी की तरफ गई है, बाकरहानी वगैरह खाई है, चाय वगैरह पी है, बिरयानी खाई, और बिरयानी खाने के बाद वो बोल रही है कि भाई पाकिस्तान की याद आ गई, पाकिस्तान में जिस तरीके से बिरयानी मिलती थी वो हमें मिली है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, देखिए ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये वो ममालिक है जिसमें सेम खाने मिलते हैं, बट पाकिस्तान का टेस्ट अलग है, इंडिया का टेस्ट अलग है, कि खाने बनाने का टेस्ट अलग है, बांग्लादेश का अलग है, और तीनों मुल्क एक ही थे ना यार। अब तीनों के पास रेसिपी एक ही है, बट जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। कई जगहों पे अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा, कई जगह पे कोई डिफरेंट टाइप का टेस्ट मिलेगा, और बहुत लोग विजिट करते हैं। मैं स्पेशली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की खानों की, तो यार दुनिया इसकी तारीफ करती है, ये नहीं कि इंडिया बांग्लादेश की तारीफ नहीं करती, इनकी भी तारीफ कर रही है, बट पाकिस्तानी अगर कोई बांग्लादेश जा रहा है वहाँ के खानों की तारीफ कर रहा है, तो यार पाकिस्तान से फिर अच्छे खाने वहाँ पे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी खाने मशहूर है दुनिया भर में। तो अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ के खाने खाए और उनको पता चला कि भाई यार ये पाकिस्तान से चीज बेहतर है वहाँ पे, तो फिर आपको पता है कि भाई वहाँ का खाना फिर अच्छा होगा। ढाका के लिए अगर आपको जाना है तो भाई आप ढाका से जा सकते, अगर आपको पाकिस्तान से ढाका जाना है तो भाई आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे ओल्ड ढाका सिटी है, मॉडर्न साइट है बांग्लादेश का, ये सारी जगह है जहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको एक अलग लेवल की क्रेज मिलेगी लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत करने की, पाकिस्तान को प्यार करने की, क्योंकि यही लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार करते हैं। एक ही मुल्क हुआ करता था, अब टूट गया, अब जो हुआ जो हो गया है वो होने दे। अभी के टाइम पे दोनों मुल्क आपस में बड़े प्यार करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात बड़े बेहतर है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।